Assalamualaikum and welcome to another episode of AD Home AD Channel. मैं आपका होस्ट हूँ और आपका दोस्त भी हूँ डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक. ऑफकोर्स हम मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर के हवाले से हमेशा बात करते हैं, इसकी सारी पॉजिटिविटी और सारी बातें आपको बताते हैं किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और हमेशा की तरह एक नए पर्सनैलिटी, एक नए कंसल्टेंट से मिलाते हैं. हमारी न्यूली अपॉइंटेड कंसल्टेंट हैं गायनाकोलॉजी में हैं डॉक्टर महमूदा, जिन्होंने ज्वाइन किया है मुर्शिद अभी रिसेंटली. आइए इनसे बात करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनको कैसी कैसी लगी यहाँ पर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो एंड वेलकम टू मुर्शिद हॉस्पिटल. तो डॉक्टर साहब, कैसे पेशेंट आपको जी? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें मुख्तलिफ बीमारी, जैसे गायनी के केसेस आते हैं, हमल के हिसाब से हमल की बुकिंग होती है, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं. तो अभी तो मुझे 3-4 दिन हुए हैं, तो अच्छा खासा मुझे फ्लो लग रहा है. पेशेंट्स काफ़ी दूर दूर से भी आ रहे हैं और उनको भी अच्छा लग रहा है. इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट. आप हमारी फीमेल्स को बताएं कि एंटीनेटल केयर क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है. जैसे हमल की शुरुआत में जैसे उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो अर्ली बुकिंग के फ़ायदे ये हैं कि जो भी जो डिजीज़ जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर होता है, वो अर्ली डायग्नोस हो जाता है और उसको ट्रीट करके हम माँ को और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से. तो ये अच्छी बात है एंटीनेटल केयर की, कि जितना जल्दी पता चले हमल का, वो फ़ौरन आके मुआयना करवाएं, अपनी बुकिंग करवाएं. उनमें जो है कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमें बच्चे को देखना होता है कि बच्चा सही जगह पे आ चुका है, कोई ट्यूब वगैरह में तो बच्चा नहीं है, और ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, शुगर वगैरह. तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई ये लो रिस्क पेशेंट है, ये हाई रिस्क पेशेंट है. और हाई रिस्क पेशेंट में जो होते हैं पेशेंट, उनको ज़्यादा चेकअप की ज़रूरत होती है, और जो लो रिस्क पेशेंट होते हैं उसमें कम चेकअप की ज़रूरत होती है. तो उस अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को वो काउंसिल करते हैं और हिदायत देते हैं. उस हिसाब से जो है माँ भी सेहतमंद और बच्चा भी सेहतमंद. अभी भी हमारे जिस एरिया में, बल्दिया में, वहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है और लोगों को अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम है. अभी भी यहाँ पे दाई का सिस्टम चल रहा है जो कि बड़ा ख़तरनाक हो सकता है. गॉड फॉरबिड एंड मत पे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अजीब सी हालत में पेशेंट को लाते हैं. बिल्कुल सही, अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है और लोग जो है वो थोड़ा मिसगाइड करते हैं, वो हॉस्पिटल आने से घबराते हैं. तो मेरे ख्याल में तो अब अच्छा अवेयरनेस मीडिया वगैरह, उनकी हेल्प से हम पेशेंट उनके जो भी अटेंडेंट फैमिली को काउंसिल कर सकते हैं कि बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में आके अपना मुआयना करवाएं. और मुर्शिद हॉस्पिटल में अभी तो सेहत कार्ड की भी सहूलत है, तो उससे फ़ायदा उठाएं और अपना मुआयना प्रॉपर डॉक्टर से, प्रॉपर हॉस्पिटल में आके करवाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन दाईज के पास जाएं या LHV के पास, या जो ऐसे अनट्रेंड डॉक्टर्स जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट नहीं है, MBBS की डिग्री लेके वो उनको इस तरह से उल्टी उल्टी दवाएं देते हैं और वो कंटिन्यू जो है वो चलते रहते हैं. फिर जब वो बीमारी बड़ी हो जाती है तो फिर यहाँ आते हैं मजबूर. सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब. तो उसके लिहाज से हमें अवेयरनेस करना चाहिए, थोड़ी सी भी कुछ मसला हो तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें, हॉस्पिटल में आके अपना चेकअप करवाएं. डॉक्टर समरीन यहाँ की HOD हैं और उन्होंने रिसेंटली बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, जो बहुत बड़े ओवेरियन मैसेस पे पेशेंट उनके साथ आई थी, कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे और उनको उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया और पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से खुश होकर डिस्चार्ज होकर बिल्कुल हैप्पी होके गई है. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स आप इतना बिजी रहती हैं, आपकी फैमिली लाइफ भी है, तो अगर फ्री टाइम मिलता है तो क्या करती हैं फ्री टाइम में, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? अच्छा, फ्री टाइम में मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है और जैसे न्यू रिसर्च वीडियोस जो होती हैं जैसे सर्जरी की, वो मैं देखना पसंद करती हूँ. फील्ड से रिलेटेड गायनी की सर्जरीज वगैरह वो देखना पसंद करती हूँ. और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ देखना चाहूँगी अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो, मुझे बड़ा वो शौक़ है. जी तो डॉक्टर साहब, क्या कौन सी कंट्रीज़ आपने देखी और कितनी, कौन सी कंट्रीज़ देखना आप चाहेंगी आगे? अब मैंने तो अभी दुबई देखा है और ओमान, मस्कत, उसके डिफरेंट सिटीज़ देखे, मिडिल ईस्ट आपने एक्सप्लोर किया है. ठीक है, अभी मैं, मुझे बहुत शौक है मैं सऊदी अरब, मक्का और मदीना देखने जाऊँ इंशाल्लाह. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला. डॉक्टर साहब बहुत बिजी थी OPD में, हमने इनसे कहा हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकें अपने चैनल के थ्रू. आए मुर्शिद का एक बहुत अच्छा एडिशन है डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब को बाहर का एक्सपीरियंस है जो डेफिनेटली हमारे लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा. थैंक यू सो मच वंस मोर डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू द शो.
थैंक यू वेरी मच। आई होप आज आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। कोई सवाल है आपका डॉक्टर महमूदा के लिए तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिएगा, अभी इसी चैनल के थ्रू हमें पूछिएगा, हम डॉक्टर साहब को दोबारा मधु करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगेबान। साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।